गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टीवी मी में। भारत संचार निगम लिमिटेड में वैकेंसी आ रखी है, डिस्कस करेंगे। भाई BSNL के बारे में कौन नहीं जानता है, ये एक भारत सरकार का उपक्रम है, ठीक है। BSNL सबको जानता है, गवर्नमेंट की एक जो है ना संचार निगम लिमिटेड है। BSNL की सिम आती होंगी, आपने देखा होगा, आपने डिश देखी होगी, तो ये सारी चीज़ें BSNL प्रोवाइड कराता है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में इसकी वैकेंसी आ रखी है, किसके लिए आ रखी, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर टेलीकॉम ऑपरेटर, जिसे कहेंगे टेलीकॉम ऑपरेटर के पद पर वैकेंसी आ रखी, डिटेल में देखने वाले। देखो चैनल पसंद आता हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, क्योंकि इस चैनल पर भर्तियों की लेटेस्ट वैकेंसी जो होती है उसके बारे में आपको बताता रहता हूँ, और एकदम सही से इन्फॉर्मेशन और सटीक तरीके से, कुछ इधर उधर लोचा नहीं, आपको सारी बातें एग्जैक्ट समझ में आती है, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए, और बाकी आपकी मर्जी। स्टार्ट डेट फॉर्म कब से शुरू है, 26 दिसंबर से ये फॉर्म आपके शुरू हुए हैं। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से सोच विचार करके फिर फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट कब रहेगी आपकी, 26 जनवरी, ठीक है। तो 26 जनवरी अपना ये भारत देश में एक बड़ा मनाया जाने वाला पर्व है, तब तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिएगा। टोटल 300 पोस्ट हैं ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, ठीक। बट आउट ऑफ दिस 300 पोस्ट 150 पोस्ट विल बी फिल्ड बाय फ्रॉम ओपन मार्केट एक्सटर्नल कैंडिडेट। अब देखो जो 150 सीटें बची बच्चा, ये जो है ना एक्सटर्नल मार्केट, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग बाहर के लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और जो 150 सीटें वो इन्हीं के इंटरनल जो लोग हैं उनसे भरी जाएंगी। तो ये समझिए कि टोटल करीब करीब 150 सीटें आपके पास रहेंगी, ठीक है। और आगे देखेंगे हम, ये देखिए टोटल 150 ही सीटें आपके पास करीब करीब बचेंगी, क्योंकि 150 सीटें वो इंटरनल भर रहे हैं, मतलब अपनी ही कंपनी के कुछ बच्चों को प्रमोट करके उस पद पर बैठा देंगे, ठीक है। और इसमें पेमेंट बड़ी तगड़ी देने वाले हैं, बड़ी अच्छी पेमेंट। तो डिटेल में और जान लो इसके बारे में, अगर पसंद आए तो जरूर अप्लाई करो। नेम ऑफ द स्ट्रीम रहेगी टेलीकॉम ऑपरेटर बनाए जाओगे आप, टोटल 150 वैकेंसी है। और रिजर्व भी हैं, SC ST फिजिकली हैंडीकैप, डीप एंड हार्ड हियरिंग के लिए, ये सारी चीज़ें, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, सबके लिए सीटें रिजर्व हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें जरूर फॉर्म भरें, आपका करियर सिक्योर हो सकता है, ठीक है। अब फॉर हेयरिंग, पर अगर आपकी हेयरिंग की प्रॉब्लम है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, स्केल अप पे देख लो, आपकी जो पे स्केल रहेगी वो रहेगी 24,900 से शुरुआत होकर 50,500 तक आपकी रहने वाली, ठीक है। इसके अलावा आपको IDA मिलेगा, HRA मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, ठीक। इसके अलावा ये चीज़ें अलग जोड़ दी तो ये करीब करीब मान लो 10,000 से 15,000 रुपए की ये चीज़ें पर मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। आपकी पेमेंट अच्छी खासी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी करीब करीब 40,000 रुपए पर मंथ के आसपास आपकी सैलरी बैठेगी, ठीक है। अब देखो आपको BSNL कंप्रोमाइज नंबर ऑफ टेरिटोरी फंक्शनल सर्कल, BSNL के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप ये जान सकते हो। अब कौन इसे अप्लाई करता है, कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी जो अपने रिलीजन वाले खाने में कैप्टन एंड बोल्ड में इंडियन लिखता है वो इसमें ज्वाइन कर सकता है। ये एक मूवी का डायलॉग था, वो मैंने बोल दिया। तो कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए अप्लीकेबल है, फॉर्म भर सकता है, ठीक है। एजुकेशन उसकी कितनी होनी चाहिए, एप्लीकेंट मस्ट बी प्रोसेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन गिवन। अब नीचे आपको बताएंगे कि भैया एजुकेशन कितनी हो चाहिए। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं कि आपकी उम्र मिनिमम इसमें डिसाइड नहीं किया, कि मैक्सिमम 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, मिनिमम नहीं डिसाइडेड है, मैक्सिमम 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी तो SC ST सबको जानता, 5 साल की छूट, OBC 3 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप्ड 10 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप SC ST हो गए तो 15 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप OBC हो गए तो आपकी 13 साल की छूट। तो मैंने छूटें भी आपको गिना दी, अगर कुछ ऐसा रिजर्व कैटेगरी में है तो आप जो है ना छूट पाएंगे। और एक्स सर्विसमैन मतलब भूतपूर्व फौजी जो है ना उन्हें भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट उन्हें भी एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर असिस्टेंट प्रोसेस, अब देखो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। असेसमेंट प्रोसेस होगा, एक असेसमेंट प्रोसेस ऑनलाइन होगा, कंप्रेसिव मैनेजमेंट एटीट्यूड टेक्निकल नॉलेज सेक्शंस, ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग इन द ऑनलाइन असेसमेंट प्रोसेस शैल बी गिवन ए स्कोर बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस ऑन ऑनलाइन असेसमेंट प्रोसेस। ऑनलाइन असेसमेंट प्रोसेस का एक तरह से एग्जाम समझ लो, ऑनलाइन एग्जाम आपका, उसमें एक कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे और उसी के बेसिस पे आपका एक रिपोर्ट कार्ड बना लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड ऑनलाइन असेसमेंट, मतलब ऑनलाइन एग्जाम समझ लो, जिसे CBT कह सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसे ही समझ लो ऑनलाइन असेसमेंट प्रोसेस, ठीक। क्वालिफाइड कैंडिडेट मेरिट लिस्ट फिर आपकी एक बनाई जाएगी जो इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखो
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोस्ट इन द मेरिट कैंडिडेट सेल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ग्रुप डिस्कशन इन इंटरव्यू। ठीक है, ये तीन प्रोसेस, आपके एक ऑनलाइन टेस्ट हो गया, फिर इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, फिर एक GD होगा और फिर बाद में एक इंटरव्यू, तो ये फाइनल प्रोसेस। फिर इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब जो बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उनका जो है ना नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो किसमें कितने कितने वेटेज हैं। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं वो हैं ग्रुप डिसीजन में नहीं है, असेसमेंट जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और जिसमें पूछा क्या जाएगा मैंने ऊपर बता दिया है। असेसमेंट जो सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम उसका वेटेज 75% रहेगा, तो आपको स्कोर करना है सबसे पहले किसमें, ऑनलाइन असेसमेंट प्रोसेस या CBT जिसे कहो उसमें सबसे ज़्यादा आपको स्कोर करना है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन का जो वेटेज रहेगा वो 12.5% रहेगा और इंटरव्यू को 12.5%, टोटल 12-12 ये 12.5-12.5 25 हो गए और 75 उसका, तो इस तरह टोटल 100% हो जाता है। तो बच्चों क्या समझे आप कि आपको ऑनलाइन जो असेसमेंट होगा उसमें ये ऑनलाइन वाला है, ये इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिसीजन, तो आप ऑनलाइन में जोर शोर तैयारी अगर कर लेंगे तो इंटरव्यू में आपको खास परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, अब देख लो जो ऑनलाइन आपका असेसमेंट जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है मैंने ऊपर भी बता दिया है, अब नीचे भी एक बार सुन लो। सेक्शन 1 मैनेजमेंट एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड, फिर कॉग्निटिव एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, फिर टेक्निकल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 150-150 मार्क्स से ये क्वेश्चन होंगे, टोटल 450, 3 घंटे का आपका टाइम रहेगा, 10 बजे से 1 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, अब देख लो थोड़ा सा और, वही जो एजुकेशन मैंने आपको बताई थी, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपका ये एग्जाम रहेगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा, और अगर आपने गलत किया तो आपका नेगेटिव मार्किंग काट लिए, 1/4 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का एक है तो आपका 1 नंबर माइनस में गया, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से करिएगा, जो आए बस उतना ही कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ऑल मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल रिमेन आवर प्रोफेशनल कम ट्रेनिंग पीरियड फॉर 2 ईयर्स इंक्लूडिंग जॉब ट्रेनिंग ऑफ 52 ईयर्स, मतलब आपकी ये एक कम्प्लीटली जॉब है आपकी, ऐसा नहीं कि आपको ट्रेनिंग करा के छोड़ दी जाएगी, तो आपके क्या है पहले 2 साल की आपकी लगभग ट्रेनिंग चलेगी जिसे कह सकते हो प्रोबेशन कम ट्रेनिंग पीरियड, मतलब इसे आप एज ए ट्रेनिंग कह सकते हो, तो आपकी 2 साल की ट्रेनिंग चलेगी, फिर इसके बाद आपकी जॉब कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में। अब थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, आपको कोई चीज बच ना जाए, करियर प्रोग्रेशन, आपका अपॉइंटमेंट जो होगा एज मैनेजर होगा, जब आप पूरा कंप्लीट हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग फिर आपको बना दिया जाएगा BSNL कंपनी में मैनेजर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कंपनी के कई सारे हेड होते हैं, फिर आपको जो है ना प्रमोट हो सकते हैं असिस्टेंट, इसके बाद होगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर जिसे AGM कहते हैं। ठीक है, ऑन वर्किंग एज मैनेजर, ठीक है, फॉर 2 ईयर सब्जेक्ट ऑफ ड्यूरिंग प्रमोशन, जब आपका प्रमोशन होगा तो आप यहाँ तक बना दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर करियर प्रोग्रेशन प्रमोशन हायर ग्रेड सेल भी रेगुलेट बाई BSNL, दिस इज सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन, मतलब इसके बाद भी आप प्रमोशन पा सकते हैं। AGM एक बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर भी हालांकि एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो आपको इतनी बड़ी पोस्ट देने वाले हैं तो कुछ तो बनता ही है मान लो, तो अच्छी सी एक प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ जानना चाहते हो आप BSNL की वेबसाइट www.bsnl.com पर जाकर .co.in पर जाकर आप अपनी चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा आप जो है ना इसी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, ध्यान रखिएगा आप एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको एक्सटर्नल आपके घर पर या कहीं और नहीं भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 28 BSNL ट्रेड सर्किल हैं, वहां पर आपके रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर जहां जहां BSNL के हैं वहां आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और, ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको ये लोग देने वाले हैं, हमें लग रहा है, आपको देख लेते हैं, कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST उनको ट्रेवलिंग अलाउंस, वहां जाएंगे एग्जाम देने या इंटरव्यू देने वो लोग जाएंगे, तो आपको SC/ST जो बिलोंग करते हैं उन्हें मिलेगा, और आप देख सकते हैं किस किस को मिलेगा, ये इतनी खास बात नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन BSNL की वेबसाइट पर होगा, BSNL.co.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे, और इसके बारे में बता चुका हूँ, और एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि इसकी जो फीस है वो 2200 रुपये, फीस बहुत ज़्यादा कर रखी है, ये मैंने सबसे पहले जब वैकेंसी देख रहा था तो मैंने देखी थी, फीस तो जनरल वालों के लिए है प्लस OBC वालों के लिए 2200 रुपये फीस है, 2200 रुपीज़,
और ये नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी आप करा सकते हो, ठीक। और जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST वालों के लिए है 1100 रुपये। तो ध्यान रखिएगा आपकी फ़ीस 1100 रुपये। इस बड़े सोच विचार का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि जो है ना पिताजी बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो ध्यान से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने मोस्टली सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली। कुछ और जानना चाहते हो तो आप इसकी वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर आप अपनी चीज़ें देख सकते हो डिटेल में। और तो मैं अपनी इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ मैं। कुछ और जानना पूछना चाहते हो आप निसंकोच होकर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।